स्वाति, आज हम बनाने जा रहे हैं हेल्दी पानी पूरी। मैंने इसमें मटर का यूज़ किया है, विच इज़ हाई इन प्रोटीन। और ये मैं जो पूरी यूज़ करने वाली हूँ, ये लेस ऑयली है, होममेड। और इसमें मल्टीग्रेन का यूज़ हुआ है, होल व्हीट फ्लावर, सोया फ्लावर, सेमोलिना, कॉर्नफ्लोर। और सो इट इज नील इन कोलेस्ट्रॉल एंड इट इज 20%। सो इट इज हेल्दी पूरी, उसमें से मैं बनाने वाली हूँ। तो चलिए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। पानी पूरी के पानी के लिए मैंने एक छोटे ब्लेंडिंग जार में थोड़े पुदीने के पत्ते लूँगी और इसमें थोड़ा पानी, 2 चम्मच पानी डाल के ब्लेंड करूँगी। हमारा पुदीना क्रश हो चुका है। अब मैंने एक बड़े बाउल में 3 ग्लास चिल्ड वाटर लिया है। इसमें मैं 1 चम्मच रॉक सॉल्ट यानी सिंधव मिठू ऐड करूँगी। चाट मसाला 1/2 चम्मच ऐड करूँगी और 1/2 चम्मच में ब्लैक सॉल्ट यानी संचड़ ऐड करूँगी। सबको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। अब मैं इसमें लेमन जूस 2 से 3 चम्मच ऐड करूँगी। आप अपने टेस्ट के अनुसार सारे सॉल्ट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसमें ये मिंट को क्रश किया है, इसको मैं ऐड करूँगी। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब मैं इसमें थोड़े से कोरिएंडर लीव्स ऐड कर, ये पानी पूरी मसाला है, मैं इसमें 1 चम्मच ऐड करूँगी। ये पानी मैंने 2 पर्सन के लिए रेडी किया है। तो हम मसाले की रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1/2 चम्मच ऑयल लिया है। इसमें मैं 1 छोटी हरी मिर्च को काट के रखा है, उसको ऐड करके इसको फ्राई करूँगी। मेरे पास कच्छ का स्पेशल गरम मसाला है, इसको मैं ऐड करूँगी और अच्छी तरह से हिलाऊँगी। थोड़ा सा पानी डालूँगी क्योंकि हमारा मसाला जल ना जाए, और इसको अच्छी तरह से हिलाऊँगी। आधी मिनट के बाद हमारा मसाला पक गया है। अब आपके पास ये मसाला नहीं है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच चाट मसाला ऐड करूँगी, जगरी पाउडर 1 चम्मच फॉर नेचुरल स्वीटनेस, प्लीज़ अवॉइड शुगर। आप स्वीट पसंद नहीं करते तो आप जगरी को अवॉइड कर सकते हैं। रॉक सॉल्ट 1 चम्मच यानी सिंधव नमक, लेमन जूस 1 चम्मच और सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसमें हम 1/2 चम्मच लाल पाउडर, मिर्ची का पाउडर, हरदर थोड़ी सी ऐड करेंगे, जीरा पाउडर ऐड करेंगे और अच्छी तरह से हिलाएंगे। थोड़ा पानी ऐड करेंगे हम इसमें, 2 से 3 चम्मच। अब हम इसमें बॉइल्ड एंड मैश्ड पोटैटो ऐड करेंगे और मेरे फ्रोजन एंड बॉयल
मटर ऐड करेंगे और इसको सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स हो गया है हमारा मसाला। अब हम इसमें और थोड़ा पानी ऐड करेंगे। आप जितनी कंसिस्टेंसी रखना चाहते हैं उतना पानी ऐड कीजिए। मैंने 4 से 5 चम्मच पानी ऐड किया है। अब मैं इसको थोड़ा सा मैस कर दूँगी। अच्छी तरह से थोड़े मटर मैस करूँगी क्योंकि हमारी ग्रेवी इससे अच्छी बनेगी। अब इसको ढक के 2 मिनट तक पकने दूंगी। देखिए 2 मिनट के बाद हमारा मसाला बनके तैयार हो चुका है। हम रगड़ा पानी पूरी बनाएंगे, इसमें इसका यूज़ करेंगे। गार्निश इट विथ सम कोरिएंडर। तो चलिए अब हम पूरी को बनाते हैं। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा मसाला यानी ये रगड़ा बनाए हैं उसको ऐड करूँगी और टमाटर, ये सेव ऐड करूँगी और थोड़े से कोरिएंडर ऐड करूँगी। आप चाहे तो इसमें अनार के दाने, चाट मसाला आपके टेस्ट के अनुसार आप ऐड कर सकते हैं, कड़ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इस तरह सारी पूरी है उसको प्रिपेयर करती हूँ। मेरी पानी पूरी सर्व करके तैयार हो चुकी है। तो ये चटपटी और हेल्दी पानी पूरी आप खाइए और आपके अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। इसको ऐसे पानी में डुबो कर खाने का मज़ा ही कुछ और होता है।